नमस्कार, मैं हूं अंडा कुमार और आप सभी का अंडा का फंडा में स्वागत है। हम सबों ने कभी न कभी दूध को अवश्य गर्म किया होगा या उफनते देखा होगा। पानी और दूध दोनों ही तरल पदार्थ होते हैं, परंतु गर्म करने पर दूध में उफान आ जाता है, जबकि पानी में ऐसा नहीं होता। आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। दूध और पानी भले ही दोनों तरल पदार्थ हैं, लेकिन दूध पानी की तरह एक सरल तरल यानी सिंपल लिक्विड नहीं है, बल्कि ये एक कोलाइडल है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य तरह के मिनरल्स जैसे कई पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से दूध में पानी, प्रोटीन और लैक्टोज पाया जाता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तब उसमें से पानी का इवेपोरेशन यानी कि वाष्प बनना शुरू होता है और दूध में मौजूद प्रोटीन और वसा अलग हो जाते हैं, जो हल्के होने की वजह से दूध की सतह पर इकट्ठा होकर एक परत बना लेते हैं। जब भाप बनकर पानी ऊपर उठती है तो दूध की सतह पर बनी परत से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि दूध के निचले सतह पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से वाष्प तेजी से ऊपर उठती है और बुलबुलों के रूप में झाग बनाती है। इस तरह दूध उफन कर बाहर आ जाता है। इसके विपरीत पानी में दूध की तरह कोई प्रोटीन या वसा नहीं होती है, जो गर्म करने पर उसके ऊपर परत बनाए। इससे वाष्प को निकलने में कोई रुकावट नहीं होती है। पानी का वाष्पीकरण लगातार होते रहता है, इसलिए उसमें उफान नहीं आ पाता। अगर चाहें तो दूध को उफनने से रोका भी जा सकता है। इसके लिए दूध के बर्तन में एक लंबा चम्मच रख दें या फिर दूध को धीरे धीरे हिलाते रहें। ऐसा करने से दूध की सतह पर जमी परत के नीचे वाष्प जमा नहीं हो पाती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे कि दूध उबलकर नीचे नहीं गिरता। चलिए विदा लेते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।